हेलो व्यूवर्स, मैं हूं मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बनाया है ट्रूटी फ्रूटी वाला केक। जो मार्केट में मिलता है ना ब्रिटानिया केक, ये बिल्कुल वैसा ही बनता है और बहुत ही इजी है बनाने में। इसे बनाने में मैंने कोई भी एसेंस का यूज़ नहीं किया है, बस घर के इंग्रेडिएंट से मैंने इसे बनाया है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना स्पॉन्जी ये बना है। तो चलो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। यहाँ पर शुगर पाउडर 1 कप मैंने लिया है, आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। देखिए यहाँ पर मैंने दही लिया है 1/2 कप, ऑयल ले लेंगे 1/2 कप। अभी इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। देखिए बिल्कुल लम्स फ्री ये होना चाहिए। देखिए अभी अच्छे से हो गया है, अभी हम इसे एक साइड में रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 250 ग्राम्स, और देखिए यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर 1/2 कप लिया है। मैं यहाँ पे कोई भी एसेंस नहीं यूज़ करूँगी। देखिए बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून डालें, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने अभी शुगर का मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वाटर लिया है, जितना आपको रिक्वायर्ड होगा अच्छा परफेक्ट स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर रखने, आप उतना यहाँ पर वाटर ऐड कर सकते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं टूटी फ्रूटी लूँगी। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा फ्लोर ऐड करके इसे अच्छे से कोट कर लूँगी। देखिए अब हम ये इस मिक्सचर में ऐड कर लेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्सचर बनकर रेडी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। यहाँ पर मैंने एक केक का मोल्ड लिया है और देखिए यहाँ पर मैं इसमें बटर पेपर प्लेस कर रही हूँ, और साइड से हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे कुछ इस तरह। एंड यहाँ पे मैं फ्लोर को डस्ट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह हम कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं मिक्सचर ऐड कर रही हूँ जो अभी हमने बनाया था। देखिए यहाँ पर मैंने इसे ओवन में 180 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए रख दिया है। आप चेक कीजिए, 30 से 35 मिनट्स लग जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्टली बेक नहीं हुआ तो आप 5 और 10 मिनट्स इसे बढ़ा सकते हैं। देखिए हमारा केक अच्छे से बेक हो रहा है। यहाँ पर 30 मिनट्स हो चुके हैं, अभी मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। देखिए ये परफेक्टली बेक हो चुका है। यहाँ पर टूथपिक क्लीन आई है, साइड से हम अच्छे से कट कर लेंगे और हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए परफेक्टली ये बाहर निकल गया है। अभी यहाँ से वाटर पेपर हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना स्पॉन्जी लग रहा है। यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे। आप कोई भी शेप यहाँ इसे दे सकते हैं। देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। परफेक्ट हमारा केक बनकर रेडी है। अभी मैं इसे भी अच्छे से कट कर लूँगी। देखिए इस तरह मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट
एंड बिल्कुल स्पॉन्जी केक बनकर रेडी है। अभी मैं इसे चॉकलेट सॉस से डेकोरेट कर लूँगी। देखिए इस तरह